वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। एक बार फिर राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन को लेकर तंज कसा है। उन्होंने पीएम के मन की बात कार्यक्रम के बहाने ट्वीट कर कहा कि बस हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दो, फिर चाहे मन की बात भी सुना दो। राहुल गांधी के बयान के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल बाबा शर्म करो, वैक्सीन प्रधानमंत्री नहीं तो क्या आप लगवा रहे हो। कोरोना संक्रमण से लेकर वैक्सीनेशन तक कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। कभी सरकार को कोरोना के लिए जिम्मेदार बताया तो कभी इसके नियंत्रण में फेल कहा, कभी वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए तो कभी वैक्सीन के बारे में कई तरह के सवाल खड़े कर जनता को वैक्सीन के बारे में भ्रमित किया। लेकिन मोदी सरकार ने कांग्रेस की हर बात का जवाब दिया। 21 जून को एक दिन में 86 लाख लोगों ने वैक्सीनेशन कराकर रिकॉर्ड बनाया तो कांग्रेस ने इसे भी निशाने पर लिया। मध्य प्रदेश के 17 लाख लोगों द्वारा वैक्सीनेशन कराने पर भी कांग्रेस ने धांधली के आरोप लगाए। अब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के बहाने वैक्सीनेशन पर सवाल उठाए हैं। राहुल बाबा शर्म करो, वैक्सीन प्रधानमंत्री जी नहीं तो क्या आप लगवा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश के सभी नागरिकों को, जनता को मुफ्त में वैक्सीन लगवा रहे हैं और आप केवल भ्रम फैला रहे हो। आपने भ्रम फैलाया, झूठ बोला, इसके कारण कई लोगों ने वैक्सीन लगवाने से इनकार किया। आपने भ्रम फैला के उनकी जिंदगी खतरे में डाली। राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब देने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा, राहुल बाबा शर्म करो, वैक्सीन प्रधानमंत्री नहीं तो क्या आप लगवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी देश के सभी नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन लगवा रहे हैं और आप केवल भ्रम फैला रहे हो। आपने भ्रम फैलाया, झूठ बोला, जिसके कारण कई लोगों ने वैक्सीन लगवाने से इनकार किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आपने भ्रम फैलाकर उनकी जिंदगी को खतरे में डाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज बैतूल जिले के गांव डुलारिया में ग्रामवासियों से बात की जो भ्रम के कारण वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। उन्हें सरल शब्दों में समझाया और वहां गांव वालों ने वैक्सीन लगवाना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भ्रम के बादल दूर भी करते हैं, समझाते भी हैं, वैक्सीन भी लगवा रहे हैं और आप झूठ बोलकर भ्रम फैलाकर लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं, संकट में डाल रहे हैं। धिक्कार है आप पर। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज बैतूल जिले के डुलारिया गांव में ग्रामवासियों से बात की जो भ्रम के कारण वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, समझाया सरल शब्दों में और वहां गांव वालों ने वैक्सीन लगवाना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री भ्रम के बादल दूर भी करते हैं, समझाते भी हैं, वैक्सीन भी लगवा रहे हैं और आप झूठ बोल के भ्रम फैला के लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं, संकट में डाल रहे हैं। धिक्कार है आप।